टीकॉन सूरत नी बीजी आवृत्ति 15-16 डिसेम्बर 2023 ना रोज मेरियट होटल सूरत खाते योजा छे। टीकॉन सूरत में 2023 में इंडस्ट्री टाइटन द्वारा ज्ञान सत्र निष्णातों द्वारा स्टार्टअप मास्टर क्लास स्टार्टअप पीओ और सूरतना मोटा भागना असतपट स्टार्टअप्स द्वारा स्टार्टअप प्रदर्शन होशे। आ इवेंट में स्टार्टअप स्थापकों एंजल इवेंट्स समग्र भारत में वेन्चर कैपिटल्स महत्वाकांक्षी उद्यमी और बिजनेस उत्साही हाजरी आपशे। टाइकून सूरत 2023 में टीआई ग्लोबल बोर्ड मेंबर और पोस्ट प्रेसिडेंट धरती देसाई मुरली बुक्कानपट्टम अमित गुप्ता सहित विश्वभरना टीआई ग्लोबल लीडर्स हाजरी आपशे। टीआई ग्लोबल बोर्ड मेंबर अमित मुकीम महावीर शर्मा जतिन त्रिवेदी नीलेष शुक्ला और एस के अरोरा सहित टाइकॉन सूरत 2023 में इंडस्ट्रियल टाइटन तरफ थी ज्ञान सत्रों की श्रेणी निष्णातों द्वारा स्टार्टअप मास्टर क्लास स्टार्टअप पीओ और सूरत में सौथी तेजस्वी स्टार्टअप दर्शावतु स्टार्टअप प्रदर्शन हशे। आ उपरांत बीजा घणा स्पीकरो द्वारा माहिती आपवामां आवशे। टाइकॉन महिला नेताओं साथे समर्पित सत्रों अने महिला सिद्धिओ माटे प्रेरणा सत्र पण करशे। स्टार्टअप टाइकॉन सूरत 2023 में मात्र विचारो विषय ज नथी ते जोड़ाण विषय पण तमारा साहस ने आगला स्तर पर लई जशे। तेना माटे स्टार्टअप स्थापकोने एंजल इवेंट्स अने वेन्चर कैपिटल साथे जोड़ावानी तक पण मळशे। टाई सूरत एमनी एक एन्युअल फ्लेक्सी इवेंट टाइकॉन सूरत 2023 करवा जई रह्यु छे, जे डिसेम्बर 15 अने 16 सूरत अठवालाइन्स मेरियट होटल मां योजावानी छे। आ बे दिवसनी कॉन्फरन्स स्टार्टअप अने टेक्नोलॉजी ऑन्टरप्रिन्योर्स ने ध्यानमां राखीने ऑर्गेनाइज करवामां आवी रही छे, ज्यां लगभग 60 थी वधारे नेशनल लेवलना स्पीकर्स आवी रह्या छे। आ ઇવેન્ટમાં લગભગ 20 થી વધારે વેન્ચર કેપિટલિસ્ટ સુરતમાં તે દિવસે હશે, જેને લગભગ 20 જેટલા સુરતે ક્યુરેટ કરેલા સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સને મોકો આપવામાં આવશે કે જે વીસીની સામે પોતાનો આઈડિયા પ્રેઝન્ટ કરી શકે। આ બે દિવસની કોન્ફરન્સમાં 4થી વધારે સ્ટાર્ટઅપના માસ્ટર ક્લાસીસ ઓર્ગેનાઇઝ કરવામાં આવી રહ્યા છે। આપણે સુરતના લગભગ સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમના બધા જ પ્લેયર્સ, ગવર્મેન્ટ, કોર્પોરેટ, એન્જલ ઇન્વેસ્ટર, સ્ટાર્ટઅપ ફાઉન્ડર્સ બધા જ અહીંયા જોડાશે। તો લોકોને આ ઇવેન્ટનો ફાયદો લેવા માટેની આપને રિક્વેસ્ટ છે કે આમાં જોડાઓ અને આ સ્ટાર્ટઅપના યજ્ઞમાં ભાગ બનો, જેથી સુરતને એક સ્ટાર્ટઅપ ઇકોસિસ્ટમ બનાવવાનો પ્રયત્ન જે ચાલી રહ્યો છે એમાં એક સફળતા મળે।